घर घर जाकर जुटाए समर्पण निधि भानु प्रताप सिंह, लक्ष्य से अधिक समर्पण निधि प्रदेश को भेजेंगे कुक्कू शर्मा। दिनांक 11 जनवरी 2022 को जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी धौलपुर पर समर्पण निधि संग्रह अभियान की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में धौलपुर जिले के समर्पण निधि के संभाग प्रभारी भानु प्रताप सिंह द्वारा समीक्षा बैठक का आयोजन किया। भानु प्रताप सिंह ने बताया कि समर्पण निधि का कार्यक्रम 3 चरणों में चलेगा। आज प्रथम चरण की समीक्षा बैठक थी। प्रथम चरण 25 दिसम्बर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस से शुरू हुआ था, जो कि जिला स्तर पर चलाया गया। आज उसकी समीक्षा की जा रही है। द्वितीय चरण 5 जनवरी से 25 जनवरी तक चलाया जाएगा एवं तृतीय चरण 26 जनवरी से 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस तक मनाया जाएगा। समर्पण निधि से ही पार्टी की गतिविधियां संचालित होती हैं। समीक्षा बैठक में भानु प्रताप ने अब तक की कार्य की सराहना की। कहा कि जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में धौलपुर में समर्पण निधि के संयोजक कुकु शर्मा एवं सह संयोजक मोहन वर्मा समर्पण निधि एकत्रित करने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं और वह पार्टी द्वारा दिए गए लक्ष्य के ऊपर समर्पण निधि एकत्रित करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी विश्वंभर दयाल शर्मा, जिला मंत्री विनय परमार, मंगल सिंह परमार आदि लोग मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी जिला धौलपुर की बैठक समर्पण निधि को लेकर संपन्न हुई। हमारे धौलपुर जिले के समर्पण निधि के हिसाब से कुक्कू शर्मा जी यहाँ के जिला संयोजक हैं। ये समर्पण निधि का कार्यक्रम 3 चरणों में प्रारंभ हुआ है। 25 तारीख को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती से प्रारंभ होकर के पहला चरण 5 जनवरी तक है और दूसरा जो चरण है वो 5 जनवरी से और 25 जनवरी तक ये दूसरा चरण प्रारंभ होगा, जो पहले चरण में अपने जिला स्तर पर, दूसरे चरण में मंडल स्तर पर और जो तीसरा हमारा चरण होगा 26 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा और ये समर्पण निधि का कार्यक्रम पूरे राजस्थान में चल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के संयोजक जी को कुक्कू शर्मा जी को, अन्य सभी पदाधिकारियों को कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को, समर्पण निधि कार्यक्रम को अच्छी तरह से धौलपुर में। रिपोर्ट R9 भारत।